हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई किचन। तो फ्रेंड्स, आज साई किचन में मैं आपके लिए लाई हूँ कॉर्न टिक्की, मतलब मकई की टिक्की और मकई टिक्की दही चाट। तो फ्रेंड्स, रेसिपी को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपकी रेसिपी बने एकदम परफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। सबसे पहले हमें 2 कप मकई के दानों को उबाल लेना है। कम से कम 10 मिनट के लिए आपको लो फ्लेम पर इसे उबाल लेना है। उसके बाद इसे छान कर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई गर्म कीजिए और उसमें 2 टेबलस्पून आपको ऑयल डालना है और फिर इसमें डालिए 1/2 टीस्पून राई के दाने, 1/2 टीस्पून जीरा। जब ये जीरा चटक जाए तो इसमें डालिए 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए बारीक प्याज और इसे भून लीजिए। आपको इसे तब तक भूनना है जब तक ये हल्का ब्राउन कलर ना आ जाए। फिर इसमें डालिए 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो। इसके बाद इसमें डालिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर और फिर डालिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर डालिए और फिर इसे मिक्स कर लीजिए। ये आपको लो फ्लेम पर डालना है मसाले। 2 मिनट के लिए मसाले भून जाए तो इसमें डालिए उबले हुए जो हमने कॉर्न मतलब मकई रखी थी उबाल कर और छान कर, उसे डाल दीजिए और इसे कम से कम आपको 3 मिनट तक भून कर पकाना है। इसे अच्छे से भून कर पका लीजिए। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो मसालों का फ्लेवर मकई के दानों में आ जाता है और वो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे 2 मिनट के लिए आप ढक कर भी पकाइए तो और ज़्यादा फ्लेवर इसका आ जाता है मकई के दानों में। तो जब ये अच्छे से पक जाए, तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, तो ये जब पक जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे कम से कम 15 मिनट के लिए ठंडे होने के लिए रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में निकाल लीजिए और इसमें डाल दीजिए और फिर इसे पीस लेना है आपको। तो इस तरह से पीस लेना है, बहुत महीन नहीं पीसना है, इस तरह से आपको दरदरा पीसना है। ये देखिए, इसमें कुछ मकई के दाने भी होने चाहिए। इस तरह से पीसिए और फिर इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। प्लेट में निकालने के बाद इसे अच्छे से फैला लीजिए और फिर इसे रेफ्रिजरेटर में कम से कम 3 मिनट के लिए आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो जब तक ये सेट हो रहा है, हम 1 क्यूब चीज़ का ग्रेट कर लेते हैं स्टफिंग के लिए। तो हम ये ग्रेट करके इसे साइड में रख लेते हैं एक कटोरी में और फिर इसी बर्तन में हमें 50 ग्राम पनीर ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है पनीर को। तो ये हमारा कद्दूकस हो गया है 50 ग्राम पनीर। अब हम एक बोल लेंगे, बड़ा बोल लेना है आपको, और उसमें 4 उबले हुए आलू डालिए और ये जो हमने पनीर ग्रेट करके रखा था, कद्दूकस करके रखा था, वो इसमें डाल दीजिए। इसके बाद इसमें ये हमारा मकई जो हमने फ्रीज़र में रखा था, ये सेट हो चुका है, अब इसे भी डाल दीजिए इसमें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप मकई का आटा या फिर आप कॉर्न फ्लावर भी डाल सकते हैं और ये है 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा और स्वादानुसार नमक और ये है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक इसका डो तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स लेंगे और कॉर्न का जो कॉर्न फ्लावर का जो सूखा आटा है, हम उसे भी हाथ में लगाते रहेंगे ताकि ये हमारे हाथ में चिपके नहीं और इस तरह से इसे टिक्की नुमा शेप दे दीजिए। ये पहला स्टाइल है। और दूसरा स्टफिंग वाला बताती हूँ। आटे का एक छोटा बॉल लीजिए और इस
सूखा आटा भी उसमें लगाइए, जो कॉर्न का सूखा आटा हमने रखा है वो लगाइए, और बीच में इस तरह से होल करके आप एक कटोरी नुमा शेप दीजिए, और उसमें बीच में चीज़ जो हमने चीज़ रखी थी ग्रेट करके वो इसमें फिल कर दीजिए, और ऊपर से उसका मुंह बंद कर दीजिए और हल्के हाथों से उसे दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, और इसका टिक्की नुमा शेप बन जाता है। इस तरह से हमें सारी टिक्कियाँ बनाकर रेडी कर लेना है। अब एक पैन हीट करना है हमें, और उसमें हमें तेल डालना है, और ब्रश की मदद से आप तेल को स्प्रेड कर दीजिए। जब पैन गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम आपको लो करना है और उसमें सारी टिक्कियाँ आपको डाल देना है। तो इस तरह से सारी टिक्कियाँ डाल देने के बाद 2 मिनट के बाद आप इसके ऊपर वापस ऑयल डालिए थोड़ा सा, और फिर आपको इसे पलट लेना है। जब आप पलट दें तो गैस का फ्लेम थोड़ा मीडियम कर लीजिए। इस तरह से आपको दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेंक लेना है, ऐसा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना चाहिए दोनों तरफ से, तब टिक्कियाँ रेडी हो जाती है। तो ये देखिए हमारी टिक्की रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ऐसी टिक्कियों को आप टमाटर की मीठी चटनी या फिर टमाटो सॉस के साथ खाते हैं, बहुत मज़ा आता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। इसे ग्रीन कोरिएंडर से मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है, और ये हमारा रेडी हो चुका है। मैं ये चीज़ वाला टिक्की भी आपको फोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसके अंदर से स्टफ रहता है चीज़, और ये मेल्ट हो जाता है, बहुत ही यम्मी लगता है। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा बताती हूँ, ये हमारा दही टिक्की चाट है। तो ये हमने टिक्की डाला जो हमने कॉर्न टिक्की बनाई थी, उसके ऊपर दही, और ये रेड सॉस, और ये है इमली की चटनी, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रेड कर दीजिए, शेव डाल दीजिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर दीजिए हरे धनिए से, और इसे खा कर देखिए, आप इसका स्वाद कभी भुला नहीं पाएंगे, इट्स वेरी यमी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू।